12 साल की उम्र का मासूम ताहिर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। उसे ये पता भी नहीं है कि उसे क्या बीमारी है, बस वो ये जानता है कि वो दिल का मरीज है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में ताहिर का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, जिसमें समस्या ये है कि उस उम्र के बच्चे का दिल कहाँ से लाएं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से कोई भी हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता, उसका इलाज करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से पिछले 5-7 दिनों से एक स्टैंड ऑफ हुआ पड़ा, विवाद और टकराव का माहौल है। मुझे मैसेज मिला तो मैं भागे भागे आया। एजाज भाई, इसको पूरा एजाज खान साहब ने इस पूरे विषय को, सब्जेक्ट को बहुत बड़े पैमाने पर अपने सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को बता रहे हैं। मुझे भी बताया गया, मुझे बुलाया गया। मैंने कहा चलो मैं आता हूँ। फिर मैंने कहा कि मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट से और इसको जितना जल्दी हो। आपको एक तारीफ करना चाहता हूँ आपकी। मैं एक बार मेरी बात तो हो जाने सुनो सर। हमने बहुत लोगों को बोला, सबको मैसेज पहुँचाए, लेकिन आप असली हो, आप आए। हाँ, मैं असली हूँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं। आप आए सर, मैं असली हूँ, इसका मुझे गर्व है, माशाल्लाह। तो यहाँ आने के बाद जब मैंने पूरी कहानी सुनी मैंने, तो मैंने मैनेजमेंट को मैसेज दिया कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो डॉक्टर राम नारायण जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हॉस्पिटल के, उनके साथ बैठ के आया हूँ और उनके पूरी पूरी बातचीत हुई है। उनने कहा हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम उस बच्चे का इलाज करेंगे, लेकिन तत्काल तुरंत, वो हार्ट नहीं है, हार्ट किसी जीते बच्चे का नहीं। मांग रहे सर। हाँ, तो वो भी हो गया, वो बोला हार्ट मांग रहे 8 दिनों से। हाँ, तो मैंने वही बोला कि जब तक हार्ट नहीं मिलता, जब तक डोनर नहीं मिलता, तब तक उस बच्चे को यहाँ पर रूम में रखेंगे, उसका इलाज करेंगे, उसका मेडिकल मैनेजमेंट होगा, ताकि वो बच्चा को होल्ड करके रखें और जब वो मिलेगा तो उसका ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा। मैंने कहा पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं है, इंशाल्लाह बहुत लोग हैं देने वाले और दे देंगे। मैंने दूसरे रास्ते बताए उनको कि वो जहाँ कुरला में रहते हैं उसके अब्बा जान, उसका राशन कार्ड वगैरह दो, मैं चिट्ठी लगा के देता हूँ, बहुत सारे डिस्काउंट मिल जाएंगे उसको। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारी स्कीम है जो ऐसे गरीब परिवारों को मदद करने के लिए फंडिंग होती है, वो भी रास्ता मैंने बताया। मैंने कहा आपके हॉस्पिटल में मैंने बहुत सारे ऐसे इलाज कराए हैं और फ्री में कराए हैं, सस्ते में कराए हैं, तो उनको समझ में आ गया। तो बच्चे का इलाज हो रहा है, ताहिर का इलाज हो रहा है, ताहिर को बचाया जाएगा, ऐसा हमारा एक विश्वास बन रहा है, ठीक है। और इसके लिए इस पूरे कैंपेन के लिए, अभियान के लिए सबसे बड़ी मुबारकबाद जो देनी है हमारे एजाज खान साहब को देनी है, एजाज भाई को देनी है। दिल अगर मिल भी जाए तो दूसरी समस्या पैसे की है। ताहिर का परिवार गरीब है, उनके लिए इलाज का खर्च उठाना काफी मुश्किल है। ऐसे में मुंबई के एक शख्स एजाज खान ने अपना कदम आगे बढ़ाया है। वो उसी दिन से वहाँ धरने पर बैठे हैं जिस दिन ताहिर को यहाँ भर्ती कराया गया था, और वो लोगों से ताहिर के मदद के लिए आगे आने की अपील कर रहे हैं। एक गरीब बच्चे की आवाज़ और गरीब इंसान की आवाज़ कहीं पहुँचती नहीं है, ना असेंबली में, ना नेताओं के घरों तक, ना नेताओं के आसपास, ना पीए के पास, ना अभिनेताओं के पास। तो हमको एक बच्चा ऐसा ताहिर का, जो उसके जानने वाले ने हमको फ़ोन किया कि एक बच्चा जिसका हार्ट के लिए वो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास गया, लेकिन सबने जवाब दे दिया, तो मिलना चाहते। हमने कहा ठीक है, लेके आओ उसको, हमारे हाथ में कुछ नहीं, अल्लाह बड़ा बादशाह है, बचाने वाला अल्लाह है, और ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह है, और मारने वाला भी अल्लाह है। तो हमने क्या लेके आओ, वो लेके आए, हम उसको सब जगह ले गए, मना कर दिया। अंबानी तो फिर आप जानते ही, अंबानी के यहाँ पे लेके आए, अंबानी ने बोला हम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसके नेचर चेंज होने लगे, ये होने लगे, तो फिर हमने एक आवाज़ उठाई, एक धरना दिया, तो फिर अब सारे नेता आना चालू किए, जिसमें संजय निरुपम जी पहले नेता है, असलम शेख आए, ये दो नेता है, और इन्होंने कुछ बात की अंदर, तो अभी उनको बोला है कि हम करेंगे, हम तभी मानेंगे जब हो जाता है। बच्चे को हार्ट ट्रांसप्लांट करना है तो वो लोग बोलते हैं कि इसको ले जाओ, जब हार्ट मिलेगा हम बुलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलती रहेगी और हार्ट मिलेगा यहाँ पर, लगा देना आप लोग, यहाँ से ले जाएंगे तो उसकी ज़िंदगी को खतरा है, उसकी जान को खतरा है, बाकी खर्चा हम उठाने को तैयार है ना, प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर 8 दिन हो गए, अभी 9वां दिन है, हम लोग खोलेंगे इंशाल्लाह इफ्तारी और ईद तक यहीं, हम लोग ईद भी नहीं मनाएंगे। ताहिर का जब तक हमको परफेक्ट वो जवाब नहीं देंगे कि ताहिर अभी फाइन है, खाली हार्ट का डोनर का इंतज़ार है, तब फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। तब हमको कोई भी नेता बोले, कोई भी अभिनेता बोले, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, क्यों भाई लोग। ताहिर के परिवार वाले किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका मानना है कि डॉक्टरों की कोशिश ताहिर को नया जीवन दे सकती है। एजाज भाई से तो मुलाकात बहुत सही टाइम पे भी, समझे कि हम काफी दिनों से परेशान थे। ये बच्चे का इलाज करने के लिए हम लोग को डॉक्टर ने बोल के रखा था कि इसको 1 महीने में इसका हार्ट ट्रांसफर करना है। तो हम लोग ने डॉक्टर ने हमको लेटर दिया कि 20 लाख रुपया खर्चा बताया था बुलंद 14 में।
तो हम लोग वही पैसे के अरेंज करने में कम से कम 20 दिन तो हम लोग ऐसे निकाल दिए, इधर उधर से एक रुपया हाथ में आया नहीं, उल्टा जेब का जितना था वो सब चला गया और किसी ने मदद तो की नहीं। सब दिलासा दे रहे थे, आज नहीं कल, कल नहीं तुम इधर जाओ उधर जाओ, इसके पास हम सब जगह भागे, ऐसा नहीं है कहीं नहीं भागे। एक शख्स ऐसा आया कि हमसे उससे मुलाकात हुई, मैं भी दूसरी जगह भाग गया था, वही सिलसिले में पैसे के सिलसिले में भाग दौड़ कर रहा था, तो रात को कुछ 11:30 बजे शख्स आया, वो भाई को फ़ोन किया एजाज भाई को कि एजाज भाई ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा बच्चा है। तो भाई ने बोले ठीक है, उस बच्चे को ले क्या, और उस दिन जब बच्चा ले के आया हम लोग ने यहाँ पे, तो भाई ने ऐसी मुलाकात करे उससे और दूसरे दिन हमको बुलाए। दूसरे दिन बुलाने के बाद सीधा दूसरे दिन हम लोग आए तो सीधा भाई ने इधर ही हॉस्पिटल में ले के आए, तो हॉस्पिटल ने टेस्ट किया पूरा उसको, तो हॉस्पिटल वाला हाथ नहीं लगा रहा था, बोल रहा था बच्चा बहुत रिक्स है, 10% हार्ट ट्रांसफर उसका 10% चल रहा है सिर्फ, बहुत चांस कम है, फिर भी डॉक्टर ने बोला था हम कोशिश करेंगे इसको एडमिट करके, कोशिश करेंगे। अब लिए तो एडमिट तो करें, अब लास्ट में ऐसा हो गया है कि कल हम लोग को बोल रहे थे भाई डिस्चार्ज ले लो, जबकि बच्चे की कंडीशन ऐसा ही है ही नहीं, जिस पोजीशन में लाए थे हम लोग वही पोजीशन में बच्चा है, अब यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे तो बच्चा खत्म समझ लो। उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है और उम्मीद ये है कि उस नन्हे फरिश्ते को नया जीवन मिल जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद सेट्टी के साथ अनिल सिंह, इन24 न्यूज़, मुंबई।